वालेकुम सलाम Go upstairs, we will go upstairs with the help of this Mr. Biryani. Let's go upstairs. Yeah, we are going upstairs now, first floor. This is Mohsin Ali. Today we are here, Mr. Biryani. So let's see how it is. Be with us. Give me one dum biryani. Chicken or mixed? Chicken. Chicken. And butter and white for. Butter, sir. Put spicy or not spicy? Spicy, yeah. Spicy? Yeah. They give us this popper as a starter. This is our basic chutney. I will try this. This white one I have taken. School is over. बहुत मजे का। अब मैं इसको ये ग्रीन वाली के साथ चेक करता हूँ। ये कह सकते हैं ये मिंट है, मज़ा आ रहा है। अभी ये थर्ड वन मस्टर्ड सॉस, इसके साथ मैं इसको ट्राई करूँगा मस्टर्ड सॉस के साथ। वाओ, मस्टर्ड सॉस का सबसे ज़्यादा मज़ा है ट्राई करने का। वेरी यम्मी। दिस इज़ आवर दम बिरयानी एंड दिस इज़ आवर वाइट कॉर्मा और साथ उन्होंने हमें रोटी दी है। तो सबसे पहले हम इसको दम बिरयानी को ओपन करते हैं। वी आर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इन्होंने फुल मॉल बनाया हुआ है जी। ये लाइक वाओ। तो दिस इज़ आवर दम बिरयानी। तो इसको मैं ऐसे पूरी प्लेट में निकाल देता हूँ ना, इसको मैं ऐसे पूरी प्लेट में निकाल देता हूँ। तो अब मैं ये इनकी दम बिरयानी ट्राई करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसी है। नाम तो इसका मिस्टर बिरयानी है। अब चेक करते हैं कि वाकई बिरयानी ये अच्छी है कि नहीं अच्छी। देख सकते हैं ये इंडियन स्टाइल की बिरयानी बनी हुई है। तो थोड़ा सा इसमें हम ये चिकन लिया, थोड़े से राइस लिए। तो अब लेट्स सी, दिस इज़ आवर बिरयानी। तो लेट्स सी, अब हम इसको ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है। तो लेट्स सी नाउ, बस इसकी शेप देख के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बहुत ही डिलीशियस होगी, वेरी यमी बिरयानी। बट इट्स वेरी नॉर्मल, ये लाइक बहुत नॉर्मल स्टाइल में बनी हुई है। बस इसको इन्होंने कलर ज़्यादा किया हुआ है और इसमें जो बिरयानी मसाले हैं वो भी बहुत लाइट हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको कि लाइक ये बॉयल राइस में इन्होंने कलर कर दिया हुआ है और बिरयानी वाला तो कोई टेस्ट नहीं है। नाम इन्होंने मिस्टर बिरयानी रखा हुआ है बट इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ भी इतने अच्छे स्टाइल में नहीं हुई हुई। लाइक जो राइस हैं बहुत ही ज़्यादा वो बॉयल हो चुके हुए हैं और जो राइस की क्वालिटी है वो भी कोई मुझे इतनी खास नहीं लग रही, और जो मसाले इस पर यूज़ हुए हैं वो भी एज अ नॉर्मल। तो मैं तो उसको बिरयानी नहीं कहूँगा। चिकन भी इसमें बोनलेस यूज़ हुआ हुआ है तो जिसका भी इतना खास टेस्ट भी नहीं आ रहा। नाउ जो हमने सेकेंड डिश ऑर्डर की हुई थी ये थी वाइट मटन कौरमा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें बोनलेस मटन है और इसको इन्होंने क्रीम है और ये बटर डला हुआ है और बोनलेस मीट है इसमें। तो लेट्स सी, हम इसको ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे हाउ इज़ इट, ये कैसा है, इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। देखने तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो बाकी अभी इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ इज़ इट। ये मैं इनका लूँगा थोड़ा सा मीट इसमें से,
मीट बहुत ही टेंडर है, बहुत सॉफ्ट थी। तो इसका मैंने मीट लिया थोड़ा सा, और इसकी ग्रेवी में मैंने इसको से डिप किया, और तभी देखते हैं इसको। यूजुअल वाइट बटन कोरमे का भी हमें ज़रा भी मज़ा नहीं आया, इसमें लाइक क्रीम है और बटर है और लाइक इट्स वेरी स्वीट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ स्वीट डिश खा रहा हूँ, मटन कोरमा, वाइट मटन कोरमा नहीं खा रहा। और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें इतने इन्होंने कुछ ख़ास नहीं डाले हुए, तो वही नॉर्मल जस्ट बहुत क्रीमी है और बटर बहुत ज़्यादा इसमें, और टेस्ट तो ज़रा भी नहीं आ रहा बटर का, तो मुझे टेस्ट ही फील नहीं हो रहा इसमें कि ये मटन कोरमा है। तो इसको मैं 10 out of 5 दूंगा और बिरयानी को भी 10 out of 5 दूंगा। सारी चीज़ें स्पाइसी ऑर्डर की थी बट स्पाइस वाला तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हलालुद्दीन है। अब मैं रेस्टोरेंट ओपन करता है 1 साल का, अभी मैं सऊदी के काज करता 3 साल होता है। अच्छा, तो आप किधर से हो? मैं बांग्लादेश का है। अच्छा, बांग्लादेश का है। चलो।